हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ब्रेकफास्ट या नाश्ता जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जी हां, ये है सूजी का अप्पम। सूजी का अप्पम आप काफ़ी कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम भी बनता है। इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें बादाम चाहिए और चने। इसे हल्की से हमें भूंजना पड़ेगा, तो हम चलिए हम इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। हल्का हल्का भून लेने के बाद हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे और हमें इसके लिए हरी मिर्च चाहिए, कुछ लहसुन चाहिए और इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। यदि आपके पास ग्राइंडर मौजूद नहीं है तो आप इसे सिल बट्टे में भी पीस सकते हैं। तो हम पीस चुके हैं इसे और ये इस प्रकार से पीस करके तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी सी पतले कर लेंगे तो हमारा चटनी फ़िलहाल रेडी हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। इसमें हमें थोड़ा नींबू डालना पड़ेगा और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक भी मिला देंगे और इसमें हमें हल्का सा तड़का लगाना पड़ेगा। तो तड़का आप सरसों से लगा सकते हैं, जिसमें हम करी पत्ती का उपयोग करेंगे। तो फाइनली अब हमारा जो चटनी है इसमें तड़का लग चुका है। देख सकते हैं आप, हमारा चटनी अभी तड़का लगकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब चटनी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम एक ग्राइंडर में सूजी ले लेंगे और इसे हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा नमक मिलाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं और हल्की मीठी अगर चाहिए तो आप इसमें चीनी भी थोड़ी मिला सकते हैं, लेकिन हम इसे मीठा नहीं बनाएंगे तो इसलिए हम इसमें चीनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे और बहुत मोटा भी नहीं बनाएंगे, जिससे हमारा जो है अप्पम अच्छी तरह से बने। तो इसके लिए हमें इसमें और एक पाउडर मिलाना पड़ेगा, जिसे हम सॉल्ट पाउडर, जिसे आप इनो के नाम से जानते हैं, तो इससे हमें इसमें थोड़ा मिलाना पड़ेगा ताकि हमारा जो अप्पम है वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी बने। इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फेंटते समय आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इसमें एयर बबल आ चुके हैं। ये इसका प्रमाण है कि आपका जो अप्पम बनने वाला है वो काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनने वाला है। तो अब हम इसे तवा पे बनाएंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक बर्तन मौजूद है तो आप उसमें बना सकते हैं, जिसमें आपको तेल का उपयोग थोड़ा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार से लोहे की तवा में बनाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत तेल की मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारे पास नॉनस्टिक बर्तन मौजूद नहीं है तो इसलिए हम लोहे की तवे में ही बना रहे हैं, तो हमें थोड़ी मात्रा में तेल का उपयोग करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अप्पम है वो लगभग बन के तैयार हो रहा है। एक साइड से ये पक चुका है और ऊपरी साइड इसका हल्का हल्का सूखा है। आप नॉनस्टिक बर्तन में बनाएंगे तो आप एक साइड से भी पका सकते हैं, पर इसमें हमें दोनों साइड से ही पकाना पड़ेगा, अन्यथा ऊपरी हिस्सा ये पूरी तरह से नहीं सूखा है। तो हम धीरे धीरे करके जितना भी बैटर बनाए थे सबका अप्पम हम पहले बना लेते हैं। तो वैसे आप देख ही रहेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो बैटर है लगभग इतना थिक है जिससे कि अप्पम अच्छी तरह से बन रहा है। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा, और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सा किस प्रकार से स्पंजी दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे छेद भी दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट, यानी कि ये मुलायम और सॉफ्टनेस का जो नज़रिया है वो इसके सहायता से आप इसमें देख सकते हैं। तो इसे अब हम पलटी कर देते हैं। एक हिस्सा से पूरी तरह से ये पक चुका है, अब दूसरे हिस्सा में ज़्यादा देर आपको नहीं रखना है, थोड़ी देर रखने पर ही ये पूरी तरह से पक जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा, एकदम मुलायम है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम काफ़ी मज़ेदार दिखने में भी लग रहा है और खाने में तो और भी मज़ेदार लगेगा। तो लगभग हमने सारा जो बैटर बनाया था, जितना भी मौजूद था, सबका बन चुका है। काफ़ी मुलायम और सॉफ्टनेस इसमें आप देख सकते हैं। इसका जो दिखने में ही यह कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट लग रहा होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसे खाने में और भी कितना मज़ेदार लगेगा। तो जैसा कि हमने चटनी पहले ही बना चुके हैं तो हम चटनी की सहायता से इसे खा सकते हैं, और विदाउट चटनी भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ खाने में इसका मज़ा ही कुछ और है। तो अब सारा अप्पम बन के रेडी हो चुका है। आप भी इस प्रकार से घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और खा के देखिए। ये रहा चटनी, और हम चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार से बना है। ये काफ़ी अच्छा है चटनी, वैसे थोड़ा सा और गाढ़ा होता तो और अच्छा रहेगा, आप गाढ़ा भी बना सकते हैं चटनी। तो चलिए इसे खा के देखा जाए कि टेस्टी किस प्रकार से टेस्टी है ये। बहुत ही टेस्टी है।
काफ़ी मज़ेदार। आप यदि बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। आप भी बनाइए, घर में ट्राई कीजिए। तो ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।